हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं एक ऐसे चीज़ के बारे में खुलासा करने वाला हूं कि जिसके बारे में आपको सभी चीज़ें पता होंगी, लेकिन आप अभी तक इग्नोर करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊँगा कि कैसे आपके डाटा का गलत इस्तेमाल आपका 8 से 10 हज़ार रुपये, 4 से लेकर 10 हज़ार के बीच में आपके सभी डाटा का, जो पर्सनल डाटा होता है कि क्या आप मोबाइल पर देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर क्या भी आप यूज करते हैं, वहाँ पे जो भी आपने पर्सनल डाटा अपलोड किया है या जो कॉलेज में कहीं पे एडमिशन लेते हैं, वो जो डाटा आपने दिया वो कैसे आपका दूसरा या जो आपका थर्ड पार्टी है कैसे उस डाटा को अच्छे से पैसे या 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये में आपके सभी डाटा को लीक कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एक एग्जाम्पल लेके बताऊँगा कि जैसे जो नीट के स्टूडेंट होते हैं उनका डाटा कैसे लीक हो रहा है, उसी के माध्यम से आप भी समझ पा रहे होंगे कि अगर आपने किसी भी कॉलेज में MBBS या किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है तो समझ लीजिए कि आपका डाटा लीक हो रहा है। और कैसे कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक उपक्रम या जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती हैं वो कैसे आपका फायदा उठा रही हैं गलत। आपका इतना कीमत कम हो चुका है कि आप अभी समझेंगे कि सभी डाटा आपके सामने आ जाएगा। इस डाटा के माध्यम से मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपकी कीमत आज ये है, आने वाले 8 से 10 साल में आपकी कीमत और क्या रह जाएगी, कैसे आपको लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा कि 10 हज़ार में बिक रहा है नीट के छात्रों का डाटा, जो आपके नीट के स्टूडेंट होते हैं डॉक्टरी के क्षेत्र में, ये सबसे बड़ा एक तरह से एग्जाम होता है उनके लिए। इनके जो एडमिशन हो रहा है, काउंसलिंग चल रही है, तो उनके डाटा को बेचा जा रहा है। और कैसे लोग, कैसे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कैसे इग्नोर करें कि हमारे यहाँ से डाटा नहीं लीक हो रहा, ये कहीं और से इनकी अपनी जो कमी है वो नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी कमी नहीं इनकी कमी है। इनके माध्यम से आप वहाँ पर चेक करिए या वहाँ पर जाके उनकी जाँच पड़ताल करिए कि डाटा कहाँ से लीक हो रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने वेबसाइटें मिली हुई हैं, कितने वेबसाइट ऐसे खोजी जा चुकी हैं कि जहाँ से डाटा आपका लीक हो रहा है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इसके लिए कानून बन चुका है, लेकिन भारत में भारत सरकार अभी भी इसके लिए कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए अभी तैयार नहीं दिख रही है। यहाँ पे दिया है कि MBBS की काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, शिक्षा के दलाल सक्रिय होते जा रहे हैं, छात्रों की नीट रैंकिंग अंक और मोबाइल नंबर 4 से 10 हज़ार रुपये में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई स्टूडेंट जो हमारा दोस्त होगा नीट के एग्जाम में अब की बार काउंसलिंग कराया होगा तो उसका डाटा समझ लीजिए कि बिक चुका है कितने में, सिर्फ 4 से 10 हज़ार रुपये के बीच में। इसके साथ और कोई MBA या डिप्लोमा या कह सकते हैं कि BTech की भी आपने काउंसलिंग कराए हो, समझ लीजिए कि आपके भी डाटा बिक चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी कि ऐसे 15 वेबसाइट खोज निकाली गई हैं, मालूम हो कि इस समय MBBS की काउंसलिंग कह सकते हैं कि का माप अप राउंड चल रहा है। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया 31 अगस्त तो खत्म होगी। अब चलते हैं कि कुछ मैं और ऐसे चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि जहाँ पे आपको ये बता दूंगा कि कैसे अधिकारी अपने आप को उस चीज़ से बचा रहे हैं कि हमारे यहाँ से डाटा लीक नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है, देखिए दलालों के पास छात्र का नाम, क्या क्या आपका कह सकते हैं कि डाटा लीक हो रहा है या कौन कौन से आपके डाटा दूसरे के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास है। देखिए सबसे पहला कि छात्र का नाम, आपका नाम, अंक जो आपने कह सकते हैं कि कितना पाया था, रैंक लेटर, बोर्ड किस बोर्ड से, UP बोर्ड से हैं या CBSE से हैं या SC बोर्ड से हैं, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल ID समेत सभी जानकारियाँ मौजूद होती हैं जो वे कह सकते हैं कि नीट का आवेदन करते समय देते हैं। अब देखिए चलिए इसमें हम बताते हैं कि कुछ अधिकारी इसके लिए जांच कर रहे थे और उन्होंने इस तरह से देखे दिया भी है कि नीट में होने वाली गड़बड़ियों पर नज़र रखने वाले एक्टिविस्ट विवेक पांडे ने बताया कि हमने अब तक ऐसी 15 वेबसाइट ढूंढ निकाली है जो इस समय छात्रों का नीट का डाटा कह सकते हैं कि चोरी करके बेच जा रही हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि एक दूसरे का फोड़ है ठिठोरा, जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ से नहीं हो रहा, कहीं और से आप जाके चेक करिए। नीट का डाटा लीक होने के सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, समझ सकते हैं कि मंत्री लोग जब इसको इग्नोर करें कि हमारे यहाँ से नहीं हो रहा तो और लोग छोटे अधिकारी क्या कह सकते हैं। जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि केंद्र के स्तर पर डाटा पूरी तरह सुरक्षित है, डाटा यहाँ से लीक नहीं हुआ, संभवतः राज्य के मेडिकल शिक्षा निदेशालय जो एडमिशन ले रहे हैं उनके यहाँ से लीक हो रहा से डाटा लीक हो रहा। वहीं DM के जो ये आपका है कह सकते हैं कि राज्य के मेडिकल शिक्षा निदेशालय के अधिकारी व्यवस्था को कह सकते हैं कि चौक चौबंद बता रहे, ये कह रहे हमारे यहाँ से भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डाटा उनके यहाँ से लीक नहीं हो रहा, हो सकता है कि कोचिंग संस्थान जहाँ से बच्चे तैयारी करते हैं नीट की तैयारी करते हैं वहाँ पर भी आपको सारा डाटा, माता पिता, फ़ोन नंबर, ईमेल आपको भरना होता है, ये कह रहे हैं कि वहाँ से
आपका डाटा लीक हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी अधिकारी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ से नहीं हो रहा, आप दूसरी जगह जाके पता करने की कोशिश करिए। अब आते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे आपका क्या घाटा हो रहा और प्राइवेट सेक्टर या जो कंपनियाँ और जैसे आपके फेसबुक ने चुराया, यूट्यूब ने चुराया, ऐसे कई जो वेबसाइट हैं जो आपका डाटा मांगती हैं और आप डाटा को भरते जाते हैं, आने वाले समय में आपकी क्या दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अरबों का बाजार, ये अरबों का बाजार हो रहा है। हर वेबसाइट अपने यूजर का कुछ डाटा सेव करती है। अगर आप मान लीजिए फेसबुक पे या कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है कि आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ऐसे कुछ मांगता है, तो इस तरह से आपके कुछ ना कुछ डाटा सेव हो जाते हैं। इस डाटा को कई कंपनियां डाटा अध्ययनकर्ता कंपनियों को बेचकर मुनाफा कमाती है। जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक आपने इंस्टॉल किया तो फेसबुक में आप क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड या अगर आपने मोबाइल नंबर से बनाया तो आप ये भरेंगे। इसके बाद ये डाटा आपका क्या होगा कि दूसरे कंपनी को फेसबुक बेचती है। इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो फेसबुक कंपनी है या जो गूगल है उसके ऊपर कितने अभी तक जुर्माना लगाया जा चुका है। इसी डाटा के जरिए लोगों को निजी रुचि के बारे में पता लगा। अगर आप मान लीजिए फेसबुक पर क्या सर्च कर रहे हैं, किस लड़की या कह सकते हैं किस हीरोइन का फोटो सर्च कर रहे हैं या किस हीरो को ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि सपोर्ट करते हैं या किस फिल्म को देखते हैं, ये सब इसी के माध्यम से पता चलता है। उसी तरह से आपके जो मोबाइल होता है या जो फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है, कुछ उसी पे उसी तरह से ऐड दिखाया जाता है। ये कहां से पता चलता है? आप सोचते हैं यार कि ऐसा तो हमने कहीं भरा नहीं, लेकिन आपके उसी के हिसाब से रुचि का आपके जो ऐड आता वो आना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आप कौन सा ब्रांड पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, आपकी सामाजिक या राजनीतिक सोच क्या कहती है। जैसे होता नहीं कि लोगों के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई भी बिल आता है ट्रिपल तलाक मान लीजिए या अनुच्छेद 370 हटा या 35 हटा, इस पर आपकी क्या राय है, वो ऑटोमेटिक जान लेंगे कि इनकी ये राय है, इनकी ये राय है। अब की बार चुनाव कौन जीत रहा है, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, इस तरह से सभी लोगों की जो चीज़ है ये जान लेंगे। ये डाटा कंपनियों और राजनीतिक दलों को बेचकर कमाई करती है। राजनीतिक दल भी सोच लेते हैं कि अब की बार किसकी हवा, जैसे मान लीजिए होता ना कि इस राज्य में चुनाव होने वाला है या इस देश में चुनाव होने वाला है तो किसकी आपकी जीत होगी। सभी लोग इसी तरह से जीत मतलब कि कह सकते हैं कि चुनाव जीत लेते हैं। आपने अमेरिका का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी है इसी के आधार पर तो जीते हुए पूरा लास्ट में जब उन्होंने जीत लिया चुनाव, बाद में यही डाटा निकाला गया कि फेसबुक के माध्यम से उन्होंने चुनाव जीता, जो फेसबुक कंपनी है उन्होंने उनकी सहायता की थी, इसी के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वहां पे अमेरिका देश में इसके लिए कानून बन चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आता है कि अगर जो फेसबुक कंपनी है इसके ऊपर कितना जुर्माना लग चुका है। अगर आप कह सकते हैं ये राशि इतनी ज़्यादा इनके ऊपर जुर्माना लगा है कि आप जोड़ते रहिए। देखिए दिया है कि फेसबुक पर लगा था बड़ा जुर्माना, कितना लगा, 2018 में हुए खुलासा में फेसबुक ने 2012 से लेकर 14 के बीच में 8.7 करोड़ यूजर का डाटा बेचा। किसको बेचा? वही प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो होती हैं, अच्छे अच्छे कंपनी, जो कपड़े की कंपनी होती हैं, जो वीडियो को शेयर करती है, इस तरह से जो वीडियो बनाती हैं, ऐसे लोगों को ये बेचा गया है। निजी डाटा से छेड़छाड़ मामले में यूरोपीय संघ ने फेसबुक पर 5 खरब, समझ सकते हैं ये अरब 5 रुपये 5 करोड़ की बात नहीं, 5 खरब डॉलर का जुर्माना लगाया। और ट्विटर गूगल पे भी निजी डाटा चोरी के आरोप में जुर्माना देना पड़ा है। ये समझ सकते हैं कि अब आता है कि लोग कैसे फ़ायदा उठाते हैं, जो ई कॉमर्स के जो कंपनियां होती हैं वो कैसे आपका यूज करती हैं। सोशल मीडिया डाटा से जुटाई जानकारी के आधार पर ई कॉमर्स कंपनियों ने वर्ष 2017 में 670,000 करोड़ डॉलर की कमाई की है। कैसे? सिर्फ आपके डाटा को चुरा के वहाँ पे किसी को दूसरे को बेची, उसी के हिसाब से लोग आपके मोबाइल या लैपटॉप पे ऐड देते हैं कि आप ये खरीदिए, ये खाइए, ये भोजन करिए, यहाँ घूमने जाइए, इस पे छूट पाइए, इस ट्रेन से जाइए या इस हवाई जहाज से जाइए, इस कपड़े पे मतलब कि खरीदिए तो इतना छूट मिले। इस तरह से आपके कुल मिला के 670,000 करोड़ रुपये की कह सकते हैं कि डॉलर दिया, 670,000 करोड़ डॉलर की कमाई कंपनियाँ कह सकते हैं कि करा चुकी हैं। आगे दिया कि यहाँ से मिल रहा डाटा। अब आगे आते हैं कि आप अपने हिसाब से अपने जो मोबाइल है या लैपटॉप है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ से ये डाटा आपका लीक हो रहा। फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया जो भी आप चलाते होंगे, फ्री ऐप्स हो गया, ये फ्री ऐप्स वाले सबसे खतरनाक हो सकते हैं। गेम हो गया, आप 20 साल बाद कैसे दिखेंगे, थर्ड पार्टी ऐप भी से लगाने में लगी है। समझ सकते हैं कि वही चीज़ है कि आज अगर आप मान लीजिए 20 साल के होंगे तो आने वाले 20 साल या 10 साल में आपकी क्या पहचान होगी या कैसे आप दिखेंगे, कैसे समाज में आपका रुचि होगा, इस तरह से आपके सारे चीज़ के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। अब आते हैं कि इन 8 तरीकों से आपको मैं 8 तरीके बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप अपने डाटा को बचा सकते हैं। कम से कम कुछ तो बचा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे क्योंकि बिना आप कोई सोचे यार मोबाइल हम यूज़ नहीं करेंगे, लैपटॉप ही नहीं यूज़ करेंगे तो कैसे उसका दिनचर्या चल पाएगा। तो समझ सकते हैं आपका पहला पॉइंट है कि पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। अगर आपने 1 साल पहले फेसबुक बनाया था तो आप कह सकते हैं कि हमेशा हर महीने 2 महीने
पे अपना जो भी कहते हैं पासवर्ड आप रखते होंगे, वो पासवर्ड थोड़ा सा टिपिकल बनाए जिससे कोई किसी को आसानी से लीक ना हो पाए। दूसरा कि अनजान लोगों के खाते के ईमेल के अटैचमेंट ना खोले, समझ सकते हैं। तीसरा कि अनजान लोगों से अपना पासवर्ड साझा ना करें, चाहे आपका कोई भी हो, कोई भी कितना भी खास हो, आपको उसको पासवर्ड अगर बता भी दिए हैं तो बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि दूसरी साइट पर जाने के लिए गूगल या फेसबुक के इस्तेमाल से बचें। अगर मतलब जा भी तो आप सबसे पहले जो खोले हैं उसको बंद करने के बाद दूसरा ओपन करें। पांचवा कि ब्राउजर बंद करने के बाद बदले अकाउंट से निकलने को लॉग आउट कर सकते हो। वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप खोल रहे हैं, फेसबुक या कोई भी माध्यम आप यूज कर रहे हैं, कह सकते हैं कि जो आपका सोशल मीडिया है उसको अगर दूसरा कोई खोले हुए और दूसरा आप खोलना चाहते हैं तो पहले वाले को बंद करके लॉग आउट करने के बाद ही दूसरा खोलें। छठा है कि स्मार्टफोन व कंप्यूटर पर ऐप अपडेट करते रहें। वही चीज़ है कि ये नहीं कि आज से अपडेट किया तो 6 महीने के बाद फिर नया करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको 15 दिन पे 20 दिन पे अपडेट आता रहता है, उसको अपडेट करते रहे, इंस्टॉल करते रहे इस तरह से। सातवां है कि एंटीवायरस के साथ एंटी मालवेयर इंस्टॉल करना ना भूले। यही समझ सकते हैं कि जो सुरक्षा के लिए मोबाइल हो या लैपटॉप में उसको हमेशा चेक करते रहे कि क्या सही चल रहा है या गलत चल रहा है, इस तरह से आप उसको दुकान पे भी चेक करा सकते हैं। आठवां पॉइंट है पब्लिक वाईफाई कनेक्शन का प्रयोग ना करें। मतलब यही चीज़ है कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे वहाँ पे वाईफाई सुविधा रहती है, फ्री में रहती है। हम क्या करते हैं कि 3 GB 4 GB डाटा यूज करके हम कह सकते हैं कि मूवीज या पिक्चर कह सकते हैं कि अच्छे डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा डाटा एक तरह से लीक हो रहा है। तो ये थी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप अपने डाटा, जो आपके पर्सनल डाटा है, उसको कैसे लीक होने से बचा सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर भेजिएगा। इस वीडियो के नीचे आप अपनी राय लिखिए कि कैसे सरकार इसको कह सकते हैं कि रोक सकते हैं, या आपकी क्या अपने विचार है, जिससे अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो ये आने वाले समय में अगर वीडियो ट्रेंडिंग में जाता है तो कह सकते हैं कि सरकार के पास भी जा सकता है और आपका एक संदेश आप अच्छे से लिखें। इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे तो हिंदी में लिखने की कोशिश करें, लेकिन आपको सभी को जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको कमेंट करना जरूर होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है कि इस पे टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप उस टॉपिक को कह सकते हैं इस वीडियो के नीचे जरूर टाइप कर दीजिए। इसी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन आता है मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों को KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।